everyone. I'm Dr. Madhu Goel, Director of Obstetrics and Gynaecology, Fortis La Femme, Greater Kailash Park today. और आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस एंड इनफर्टिलिटी के बारे में. सो यूट्रस में एक लाइनिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं. जब इस जैसा टिश्यू आपकी यूट्रस के बाहर मिलता है, या तो यूट्राइन वॉल में मिलता है, ट्यूब में मिलता है, ओवरी में मिलता है, या जो पीछे सराउंडिंग पेरिटोनियम होती है उसमें मिलता है, तो उसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं. एंडोमेट्रियोसिस में ये टिश्यू कहीं भी मिल सकता है, आपके लिवर में, इंटेस्टीन में, लंग में, ब्रेन में. एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स ज़्यादातर बहुत सिवियर पेल्विक पेन या पीरियड पेन की तरह से आते हैं, बट अबाउट 50% ऑफ दीज पेशेंट्स ऑल्सो हैव फर्टिलिटी प्रॉब्लम. या जब पेशेंट आते हैं, फर्टिलिटी नहीं होती है, प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो हम डायग्नोज करते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है. एंडोमेट्रियोसिस में दो चीज़ें हो सकती हैं, आपका ब्लड जो पीरियड में बाहर आ रहा है अंदर जाके ओवरी में कलेक्ट कर सकता है और चॉकलेट सिस्ट बन सकती है. दूसरी चीज़, एंडोमेट्रियोसिस एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है, तो बॉडी के रिएक्शन के कारण जो आपके ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं. ट्यूब्स, ओवरीज, यूट्रस के पीछे आके चिपक जाती है, टिश्यू प्लेन नहीं मिलता. सो एंडोमेट्रियोसिस आपकी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करता है, आपकी एग की क्वालिटी को कम करता है, नंबर ऑफ एग्स कम हो जाते हैं, क्योंकि ट्यूब ओवरी का रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, और जो ये लाइनिंग है उसकी रिसेप्टिविटी टूवर्ड्स प्रेगनेंसी भी कम हो जाती है. सो जब एंडोमेट्रियोसिस एसोसिएटेड होता है फर्टिलिटी इशू के कारण, वेरियस ऑप्शंस हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि सर्जरी कर सकते हैं हम, ये चॉकलेट सिस्ट हटा सकते हैं, ये जो टिश्यू एक दूसरे से चिपके हुए हैं उनको हटा के हम उनका रिलेशनशिप ठीक करते हैं, और फिर स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं, या फिर हम कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे एग बनता है, या हम IUI कर सकते हैं. IUI में हम आपको मेडिसिंस देते हैं, उससे एग बनाते हैं, और अप्रोप्रिएट टाइम में सीमन लेकर उसको ठीक करके हम आपकी यूट्राइन कैविटी में डालते हैं. या फिर अगर सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है तो हम IVF करते हैं. IVF में वी गिव यू मल्टीपल इंजेक्शंस, मेक मल्टीपल एग्स, टेक आउट दोज एग्स, फ्यूज द एग्स विद द स्पर्म आउटसाइड, एंड देन पुट देम इन द यूट्राइन कैविटी. सो हम एंडोमेट्रियोसिस की ट्रीटमेंट, एंडोमेट्रियोसिस विद इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपके सीमन पैरामीटर्स क्या हैं, कितने सालों से फर्टिलिटी इशू है, कितना सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है. डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज फैक्टर्स वी मेक अ ट्रीटमेंट विच इज़ अप्रोप्रिएट फॉर यू.